जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई है, आपके जीवन में बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अब कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको कहीं भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, तो आपको ऐसे समय में संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेना है। संकट मोचन हनुमान जी हर तरह का संकट उसका नाश कर देते हैं, उसको हर लेते हैं, तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेना है। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वो उपाय दो लौंग और एक कपूर का उपाय है, जो कि बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और इसको आपको हनुमान जी के दिन यानी मंगलवार के दिन करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको कब करना है? केवल और केवल मंगलवार को करना है। हनुमान जी का नाम लेकर के आप ये दो लौंग और एक कपूर का उपाय करें, आपकी सारी परेशानियां, सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, धीरे धीरे उनमें आशा की किरण भी नजर आने लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए को लेकर के उसमें आपको कपूर रख देना है। हाँ, जो वो गोटी वाला कपूर आता है गोल गोल सा, वो कपूर आपको रख देना है। चार डली या पांच डली आपको उसमें रख देनी है। यदि छोटी है तो पांच डली, बड़ी है तो तीन डली आपको उसमें रख देनी है दिए में। और अब आपको दो लौंग लेनी है, साबत लौंग लेनी है जो बिना कटी फटी हो, और पूरी बीट की लौंग लेनी है जिसमें पीछे बीट भी हो। बिना बीट की लौंग असर नहीं करेगी, तो आप बीट की लौंग लें जिसमें बीट हो। दो लौंग आपको ले लेनी है और दो लौंग को लेकर के अपनी जो भी परेशानी है, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको समस्या है या आपकी जो मनोकामना है, आपको वो बोल देनी है। बोल करके आपको उन लोग से ही बोलना है आपको वो सब। अब उन दोनों लोगों को आपको कपूर के ऊपर रख देना है। कपूर के ऊपर उन दो लोगों को रख करके आपको उनमें जला देना है, यानी कपूर में आग लगा देनी है। कपूर को जला करके वो लोग भी उसमें जलती रहेगी। अब आपको पूरे घर में, जहां भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, या पूरे घर में आपको लगता है नेगेटिविटी, तो आपको घर के हर कमरे में, घर की बालकनी में, सब जगह, घर के कमरे में ज्यादा करना ये काम, क्योंकि नेगेटिविटी में रहती है, घर के कमरों में उसको घुमाएं, पूरा कपूर जलने दें और उसको घुमाते रहें। घुमाने के बाद उसको एक जगह ला करके रख दें। इस तरह से आपको पूरे घर में जब आप उसको घुमाएंगे तो आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक शक्ति है, वो बदल जाएगी, यानी सकारात्मक हो जाएंगी। मतलब कि नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता नजदीक आएगी। पवन तने संकट मोचन श्री हनुमान आपकी हर समस्या का समाधान इस कपूर के माध्यम से करेंगे। कपूर को नेगेटिविटी दूर करने के लिए जलाया जाता है। आपने देखा होगा कि आरती में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है, तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कपूर का इस्तेमाल करने से नेगेटिविटी खत्म होती है। नेगेटिविटी खत्म करने के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है, और कपूर का प्रयोग नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हमेशा से चला आया है, हमेशा से ही करते आ रहे हैं। इसके अलावा एक उपाय और बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो आपको नहाते समय करना है, तो आपको मंगलवार के दिन ही ये उपाय करना है। आपको नहाने के पानी में कपूर को बारीक चूरा मिला लेना है, पहले बारीक पीस लेना है कपूर को। उसका चूरा आप एक कटोरी में घोल लें और उसे अपने नहाने के पानी में मिला दें और उससे आप नहाएं। तो यदि आप कपूर का चूरा मिलाकर उस पानी से नहाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरी जितनी भी आपकी नजर है, जो भी आपकी परेशानी है, शारीरिक समस्या हो, चाहे पैसे से संबंधित समस्या हो, जॉब नहीं लग रही हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें होती है जिससे हम परेशान रहते हैं, तो वो सारी परेशानियां उस कपूर के पानी के नहाने से आपकी दूर हो जाएंगी। और ये कब करना है दोस्तों? ये केवल मंगलवार को करना है, रोज नहीं करना। तो आपको केवल मंगलवार को कपूर के पानी से नहाना है। कैसे नहाना है? कपूर की पूरी पूरी डली न डाल दें, कपूर के बारीक बारीक उसको बिल्कुल दरदरा कर लें, पीस लें और पीस करके पानी में डाल लें, तो उससे कपूर को अच्छे से घोल लें,
आपकी बाल्टी में और उस बाल्टी से आप नहाएं, स्नान करें, तो आपकी नज़र गुजर या जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तीसरा उपाय है जो कि सुख समृद्धि के लिए होता है और आपकी सारी परेशानियां जो मिट नहीं रही है या पारिवारिक समस्याएं जो लड़ाई झगड़े से संबंधित समस्याएं होती है, जैसे आपके परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कलह होता है, मारकाट मच जाती है, इस तरह की नौबत आ जाती है, तो इन सभी समस्याएं जैसे कि लड़ाई झगड़े वाली समस्याएं, इस तरह की समस्याओं को उससे निजात पाने के लिए, क्योंकि ये नकारात्मकता की वजह से होती है, तो इन लड़ाई झगड़ों की घर में गृह कलेश जिसे हम बोलते हैं, तो गृह कलेश घर के लड़ाई झगड़े इस तरह की समस्या के समाधान या निदान के लिए आपको कपूर के टुकड़े लेने हैं और उसको घी में डाल करके जला देना है। ऐसा करने से उसको पूरा जल जाने देना है, घी भी जल जाएगा, कपूर का टुकड़ा भी जल जाएगा। आपको घी लेना है, घी के अंदर कपूर का टुकड़ा डाल देना है और उसमें उसको जला देना है। तो ऐसा करने से घी भी जल जाएगा, कपूर भी जल जाएगा। तो ऐसा करने से लड़ाई झगड़े तुरंत समाप्त हो जाते हैं। आपको ऐसा 4 दिन तक 3 दिन तक करना है, या तो 3 दिन तक करें या 5 दिन तक करें या 7 दिन तक करें। आपके घर में सुख शांति का वातावरण होगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने लग जाएंगे। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि ये भक्तिमय वीडियो है। और इष्ट देव का ध्यान करते हुए कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह के मंत्र या इस तरह का कुछ कमेंट जरूर कीजिए यदि आप इस वीडियो को देखने आए हैं, क्योंकि आपके कमेंट करने से आपके मन में से श्री राम या आपके इष्ट देव का नाम निकलेगा, जितनी बार निकलेगा उतनी बार ही आपको नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता आएगी। भगवान को बचने से अच्छे अच्छे नकारात्मक लोग दूर हो जाते हैं और सकारात्मकता हमारे शरीर में आती चली जाती है और हमारे जो बिगड़े हुए काम है वो सब बनने लग जाते हैं। तो सारे बिगड़े हुए काम बनाने के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम या फिर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, इस तरह के नाम जरूर लिखिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, ओम नमः शिवाय।